अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक एहसान प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेयर पैनल के बारे में, किन किन कामों के लिए ये हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास लेयर पैनल में मौजूद हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम आज देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली हमने एक आर्टबोर्ड बना लेना है, कोई भी सिलेक्ट कर लें रैंडमली। ये आर्टबोर्ड आ गया हमारे पास, ये हमारे पास लेयर पैनल है। इस पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होती है वो बैकग्राउंड लेयर होती है जो कि लॉक्ड होती है। इस पर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही इसे मूव कर सकते हैं और ना ही इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसमें चेंजेस करनी है तो सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल लेयर क्या होती है, उसे हम किसी भी तरह मूव कर सकते हैं या फिर उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो फ्रीली होती है। ये फ्री लेयर नहीं है, कन्वर्ट करने के लिए हमें ड्रैग करें तो ये ऑप्शन मिलता है, या सिंपली हम डबल क्लिक कर लें यहाँ पर लेयर पे आके तो ऑप्शन आ जाता है, जो भी नेम रखना हो ABC। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल लेयर हो गई। अगर इसे हटाएंगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नई लेयर बना लेते हैं। एक ब्रश कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन कलर। ये हमारे पास यहाँ से जो हम लेयर बनाते हैं ये हमारे पास नॉर्मल लेयर होती है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर्स के ऑप्शन हैं, ये हमारे पास यहाँ भी मौजूद होते हैं नीचे सर्कल पर, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ये मास्क करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, ये ग्रुप करने के लिए। अगर हम ये हमारे पास न्यू लेयर बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे न्यू लेयर बन जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे डेल हो जाएगी। न्यू डेल करने के लिए सिंपली हम डिलीट भी कर सकते हैं, और जिस लेयर को हमें डिलीट करना हो उसे हमने ये श्योर कर लेना है कि वही सिलेक्टेड है। अगर मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूं और मुझे डिलीट लेयर टू करनी हो तो लेयर वन ही डिलीट होगी, मतलब ग्रीन कलर डल हो जाएगा, लेयर टू वहीं रहेगी। तो ये ख्याल रखना है कि सिलेक्ट आपके लिए वही हो जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पर आपने चेंजेस करनी हो तो ये डल होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ ग्रुप का, डिफरेंट लेयर्स हम बना लेते हैं चार। अब हम जब बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें लेयर्स को संभालने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि शेडोज़ वगैरह की काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं, हाइलाइट्स की लेयर बन जाती हैं। तो इनको एक ही ग्रुप में अगर ये हम ऐसा सेलेक्ट करें कि ये हमारे पास हाइलाइट की लेयर्स हैं, तो इन्हें मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा और ग्रुप वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ग्रुप बन जाएगा। इसको मैं नेम दे दूँगा हाइलाइट्स, तो ये हाइलाइट्स हो गया। अब तीन लेयर्स अलग देखने के बजाय ये मुझे आसानी से हाइलाइट्स का फोल्डर नज़र आ रहा है। अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और उसे मूव करूँगा या जो भी करूँगा, जो भी चेंजेस करनी होगी, तो ये काफ़ी आसानी हमारे लिए हो जाती है। मूव करने के लिए हमें सिर्फ मूव टूल का ही यूज़ करना है, इसके अलावा जो भी टूल यूज़ करेंगे तो मूव नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास हो गया पाथ सिलेक्शन हैंड टूल, कुछ भी काम नहीं करेगा, मूव टूल से मूव करेंगे। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी, मैं आपको समझाने के लिए कुछ इमेजेस ले आता हूँ। ये लेयर्स हम डेल कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं।
इमेज ओपन कर लेते हैं एक कोई भी। ये इमेज आ गई मेरे पास। सबसे पहले इसे नॉर्मल लेयर कन्वर्ट करें, नॉर्मल लेयर ड्रैग करें सिंपली मूव टूल से, यहाँ पर आके ड्रॉप कर दें। ये अगर आप देख रहे हो तो नीचे हमारी आ गई है ये वाली लेयर, लेकिन ग्रीन के नीचे है, मतलब ग्रीन जो हमारी लेयर है वो हमारे जो थंबनेल बना रहा है उससे ऊपर पड़ी हुई है, थंबनेल नीचे है इसीलिए वो शो नहीं हो रहा। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये देखें हमारा जो थंबनेल है वो ऊपर आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ये हमारे पास लॉक लॉक हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक, लॉक इमेज पिक्सल्स, लॉक पोजीशन, ये वाला जो है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इन टू एंड आउट ऑफ वार्डबोर्ड इतना यूजफुल नहीं है, इसे आप ना भी देखें इग्नोर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है लॉक ऑल, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता हमारे पास, ये जो इसका कोई भी यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर ट्रांस लेयर सेलेक्ट कौन सी की हुई है, थंबनेल वाली। अगर हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल लो कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है हमारे थंबनेल के अलावा पिक्चर के अलावा वो बिल्कुल सेफ है, उस पर कुछ भी नहीं होगा। जस्ट लाइक ये हटा देता हूँ मैं, ये मैप पर ट्रांसपेरेंट आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो मेरा ब्रश ये रहा, इस लेयर पर जब भी आता है तो ड्रा होता है, इसके अलावा ड्रा नहीं होता। हमारे जो आउटर लेयर है ट्रांसपेरेंट वो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर कुछ ड्रा नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है हमारी प्री इमेज में हो रहा है जो लेयर हमने सेलेक्ट की है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर यहाँ वाले लॉक मौजूद है, ये लॉक लगाएं इमेज पिक्सल्स वाला। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितनी भी एडिटिंग के ऑप्शन थे ड्राइंग के उसके ऊपर ड्रॉ करने के वो सारे डिसेबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इस पर ड्रा नहीं कर सकते। जैसे कि फिर हम ले लेते हैं ब्रश टूल, सॉरी ये हमने लॉक लगा लिया। अब देखें कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज लेयर इज लॉक्ड। अब इस पर हम किसी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंपली हमारी जो पिक्चर है वो सेफ है। अगर हम गलती से इस लेयर को सिलेक्ट कर भी लें तो इस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, तो ये सेफ रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम जब हम बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मूव टूल का लॉक है, अगर हम मूव लॉक लगाएं इसका क्या मतलब है कि सिंपली हम मूव नहीं कर सकेंगे, मूव टूल अनजान हो गया कि यहाँ पर लेयर भी थी या नहीं, मूव टूल का काम ख़त्म, लेयर हमारी लॉक हो गई, एडजस्टमेंट लॉक हो गई। लेकिन फिर भी हम इसे एडिट ज़रूर कर सकते हैं, इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते, तो ये भी यूज़फुल है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो है ये तो यूज़फुल है ही नहीं, तो इसकी डिटेल पढ़ना कोई अहम ज़रूरी नहीं है। तो लॉक ऑल का जो ऑप्शन है इसका मतलब कि ये सारे लॉक मौजूद हैं, ये सब भी लॉक हो जाएंगे। अब ना हम ड्रॉ कर सकेंगे, ना हम इसे मूव कर सकेंगे, ना ही हम इसे सिलेक्ट कर सकेंगे, तो हमारे पास सारे ऑप्शन जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। इस लॉक्स के अलावा हमारे पास जो और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी और अहम है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ,
ये हमारे पास प्लानिंग ऑप्शंस मौजूद हैं अगर आपको समझाने के लिए। ये दोबारा ऑन कर लेते हैं। ड्रीम लेयर, ये हमारे पास लेयर टू है, हमारे थंबनेल ग्रीन लेयर इसके नीचे मौजूद है। अगर हम अपनी थंबनेल वाली लेयर को डार्कन में से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, जो हमारी हाइलाइट्स हैं वो देखें, डार्क एरियाज और हाइलाइट्स मल्टीप्लाई हो गए। इसमें डार्कन कलर, जो हमारे डार्क कलर्स हैं, सिर्फ वही रह जाएंगे। जो लाइट कलर्स हैं वो हमारे सारे खत्म हो गए। अगर हम इसी को डार्कन की बजाय यहाँ पर डार्कन कलर सो लाइट में आ जाएंगे, लाइटर कलर, तो जितनी भी लाइट कलर्स हैं वो हमारे ठहरे रहेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ वाइट है तो ये ठहरा है, ये वाइट है ये ठहरा है, बाकी सारे कलर डार्क जो हैं वो सारे हाइड हो गए, ख़त्म हो गए। तो काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा ओवरले, सॉरी सिलेक्शन, उसी की करनी है जो लेयर आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से मेक श्योर करना है कि जो लेयर आपने यूज़ की है वही सिलेक्ट भी है। तो नॉर्मल कर देते हैं इसे, ओवरले करें तो ये हमारे पास ओवरले हो गया। सॉफ्ट लाइट, जस्ट लाइक दैट, जो भी चीज़ें हों एडजस्ट करने के लिए, कलर चेंजिंग के लिए ये टूल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मैं ये डेल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लॉक है, लॉक हटा देते हैं। ओपन कर लेते हैं कुछ इमेजेस, जैसे कि मेरे पास ये कर लेता हूँ, एक ही काफ़ी है। सबसे पहले मैं सिलेक्शन कर लेनी है, क्विक टूल यूज़ करूँगा मैं। ये मेरे पास सिलेक्शन होगी ग्राफ की, रफ सिलेक्शन है, आपने अच्छी तरह करनी है ताकि रिजल्ट अच्छे आए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, सॉलिड कलर लेयर क्रिएट करनी है यहाँ से, एडजस्टमेंट लेयर से। सॉलिड कलर सिलेक्शन किए हुए तो वो उन्हीं एरियाज में आएगा जहाँ पर हमारी सिलेक्शन है। ये देखें आप, कलर क्या करें, ग्रीन, डार्क ग्रीन। आप देखना कि मल्टीप्लाई पर ये देखें डार्कन कलर, जहाँ पर हमारा कलर डार्क था वहाँ पर ये लेयर रह गई है, लाइटन कलर से हट गई है। अगर लाइटर पर इसे कर दें तो लाइटर पर रह गई है। ये देखें लाइट एरिया जो है हमें नज़र आ रहे हैं, जो डार्क एरियाज हैं वो सारे हाइड हो चुके हैं। डार्क पर डार्क एरिया हमारे नज़र आ रहे हैं, जो कि लाइट एरियाज हैं वो बिल्कुल हाइड हो गए हैं। लाइट एरियाज पर हमारी लेयर आ गई है। अब कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास कलर का ऑप्शन है नीचे लास्ट में, सेकंड लास्ट कलर, तो हमारे पास लेयर जो है कलर हो गई है। ग्रास काफ़ी अच्छा कलर आ गया इसमें, सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है। तो कलर चेंजिंग इसमें हम ब्लैक एंड वाइट लेयर्स के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्लैक एंड वाइट कोई फोटो होती है तो उसको कलर करने के लिए ये टूल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा भी बहुत से कलर करने के तरीके हैं, लेकिन बैगनर्स के लिए तो ये सजेस्ट किया जाता है, काफ़ी इजी, और इससे बंदे की प्रैक्टिस भी हो जाती है सिलेक्शन की। तो इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है एक और, जो कि यूज़ कर सकते हैं हम, एक सॉलिड लेयर ले लेते हैं नीचे रखने के लिए, बैकग्राउंड के लिए, इससे सिंपल लेयर।
बैकग्राउंड, ये जो ओपेसिटी का हमारे पास ऑप्शन है, अगर इस लेयर की हम ओपेसिटी कम करें तो ये ट्रांसपेरेंट की तरफ टर्न हो रही है ग्रेजुअली जैसे हम कम कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा ज़्यादा कम करें तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। यहाँ पर फील्ड पर जो हमारा ऑप्शन है ये भी फिलहाल यही काम कर रहे हैं क्योंकि ये एक फोटो सिंपल सी है, तो इसका और भी यूज़ होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हमारा ऑलमोस्ट क्लियर पैनल कंप्लीट हो गया है। ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, इनके काफ़ी सारे काम होते हैं एडजस्टमेंट के लिए, कलर वगैरह, कलर ग्रेडिंग के लिए। तो इनके यूज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।